एंगल ए इज थीटा, लेट से, ठीक है, एंगल एन जो है वो है 90, तो कैन वी से कि दिस पर्टिकुलर एंगल वुड बी व्हाट? एंगल ए प्लस एंगल एन प्लस एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक एंगल को 90 प्रूव करना है स्क्वायर के, मतलब ये जो रेक्टेंगल है PQRS, इसके रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए PQRS को। तो देखिए, एंगल ए की जगह थीटा, एंगल एन की जगह 90, तो एंगल पी कितना आ जाएगा, तो वो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 90। सो फाइनली एंगल पी की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 माइनस थीटा। कौन सा वाला एंगल पी आया? वो आया ट्राइंगल पी ए एन वाला, मतलब दिस एंगल वुड बी 90 माइनस थीटा। अब आप देखो, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो एंगल पी पे तीनों एंगल बनेंगे, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब साइड वाला जो ऊपर वाला एंगल है वो तो थीटा है, नीचे वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, तो बीच वाला जो एंगल होगा वो कितना निकल के आ जाएगा? आप कर लो कैलकुलेट। तो अब मैंने लिखा कि सिंस इन डायग्राम ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी व्हाट वी कैन से, देखिए जो हमारे पास एंगल बन रहे हैं पी पे वो कौन कौन से बन रहे हैं, देखो एक बन रहा है 90 माइनस थीटा, एक बन रहा है थीटा, और एक बन रहा है एंगल पी। तो मैं बीच वाले एंगल को तो पी लिख रहा हूँ, बाकी को लिख रहा हूँ थीटा और 90 माइनस थीटा। तो कैन वी से कि थीटा प्लस एंगल पी प्लस 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एडिशन ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। तो यहां से थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास एंगल पी की वैल्यू कितनी आई? 180 माइनस 90, और 180 माइनस कितना हो गया? 90 90। सो इन पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया था पी क्यू आर एस, इफ एंगल पी इज इक्वल टू 90 दैट मीन्स पी क्यू आर एस विल बी रेक्टेंगल, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद ये जो स्ट्रेट एंगल है इसकी एक प्रॉपर्टी लगाई थीटा और 90 माइनस थीटा मान के, जिससे कि ये एंगल 90 आ गया। एक एंगल 90 आ गया तो चारों 90 आ जाएंगे, तो इट वुड बिकम अ रेक्टेंगल। होपफुली ये क्वेश्चन नंबर टू भी क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, तो ये बनाया एबीसीडी विच इज अ रेक्टेंगल, मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के दे रखे हैं अपने को। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस जो होगा वो रोम्बस होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करना है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम तो हो ही गया, ये तो अब हमेशा हमने ऊपर दो क्वेश्चन देख लिए हैं, हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि जैसे ही हम लोग डायगोनल ए सी को ज्वाइन करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, डायगोनल ए सी को ज्वाइन करेंगे तो ये आर और एस मिड पॉइंट है, तो आर एस जो होगा वो ए सी के पैरेलल हो जाएगा और उसका हाफ हो जाएगा। ऐसे ही पी क्यू जो होगा वो ए सी के पैरेलल हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो आर एस और पी क्यू जो होंगे वो पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग अबव फैक्ट्स, जो ऊपर क्वेश्चन नंबर वन और टू में अपन ने किए हैं, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू, वी कैन से पी क्यू आर एस विल बी अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम कैसे हुए, तो हमने क्या करा, सबसे पहले एमपीटी अप्लाई किया, किसमें? ट्राइंगल डीएसी में। फिर उसके बाद हमने एमपीटी अप्लाई किया, किसमें? ट्राइंगल एबीसी में, जिससे कि हमारे पास पी क्यू सॉरी आर एस जो है वो पैरेलल आ गया पी क्यू के, और आर एस जो है वो इक्वल भी आ गया पी क्यू के, तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब मुझे रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो टू प्रूव रोम्बस वी नीड टू प्रूव, कोई सी भी एडजेसेंट साइड ले लो, जैसे मैंने लिख दिया कि आर एस इज इक्वल टू आर क्यू, ये हमें प्रूव करना है,
ठीक है। अब कैसे प्रूव करें, तो देखो समझना, आर मिड पॉइंट है सीडी का, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की इक्वल होगी, ठीक है। ये जो एंगल है ये 90 और ये भी 90 होगा। अच्छा, ये एडी जो है पूरी की पूरी बीसी के इक्वल है, तो एडी का जो हाफ होगा वो इस बीसी के हाफ के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बाय सीपीसीटी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी। तो मैंने क्या लिखा, नाउ इन ट्राइंगल आर डी एस एंड ट्राइंगल क्यू सी आर, देखना ढंग से, आर डी एस और क्यू सी आर। आर डी एस में जो आर डी है वो क्यू सी आर के सी आर के इक्वल है, क्यों, बिकॉज आर इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन डी सी, तो ये दोनों तो इक्वल होनी है। आर डी एस का एंगल डी जो है वो क्यू सी आर के एंगल सी के इक्वल है, बिकॉज इट इज 90। कहां से 90 आया, बिकॉज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है तो हर एंगल 90 डिग्री है। फिर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि डी एस जो है वो इक्वल है सी क्यू के। ये कहां से आया, क्योंकि हाफ ऑफ ए डी जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल है, मतलब वो एक पैरेललोग्राम है और उसके ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है। तो जब पूरी पूरी इक्वल है तो आधी आधी इक्वल होगी। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया व्हाट वी कैन से कि ट्राइंगल एस डी आर वुड बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल। अब देखो आर डी जो है वो किसके इक्वल है, सी आर के, तो ये सी आर एस होगा और यहां पर आ जाएगा क्यू। तो एस डी आर जो होगा वो क्यू सी आर के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, और अगर कॉन्ग्रुएंट आ गया तो वी कैन से कि बाय सी पी सी डी व्हाट वी कैन राइट कि आर एस जो है वो इक्वल हो जाएगा आर क्यू के, आर एस आर क्यू के इक्वल हो गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखो अब समझना इसको, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि ये जो पी क्यू आर एस है ये एक रॉम्बस है। तो हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, देखो कि सिंस PQRS is a parallelogram having adjacent sides equal, that means PQRS will be a rhombus. बस यही प्रूव करना, क्योंकि देखो समझना कैसे रॉम्बस हुआ, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है। अब ये जो आर एस है ये तो पी क्यू के इक्वल है ही सही, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे ही जो आर क्यू है ये पी एस के भी इक्वल हो गई, तो देखो चारों क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो वो क्या बन गया अपना रॉम्बस। तो होपफुली दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।